बिग बॉस 14 की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माने जाने वाले मनु पंजाबी को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। मनु पंजाबी ने इस बार के सीजन में एंट्री करके धमाल ही मचा दिया था। एक बार फिर से मनु पंजाबी की वजह से शो सुर्खियों में आ गया, लेकिन अचानक इस स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को बुरी नजर लग गई कि शो में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई। अचानक मनु पंजाबी को शो छोड़कर जयपुर हॉस्पिटल भागना पड़ गया। जी हाँ, मनु पंजाबी को सेट पर अटैक पड़ा। उनकी हालत देखकर लोग कांप गए। हम आपको मनु पंजाबी की पूरी कहानी बताते हैं। जब सही सलामत मनु पंजाबी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें शो छोड़कर भागना पड़ गया। मनु पंजाबी की खबर सुनकर दर्शकों को झटका लग गया। जी हाँ, चैलेंजर बनकर एंट्री लेने वाले मनु पंजाबी ने शो छोड़ दिया है। बीते दो हफ्तों में मनु पंजाबी जहाँ एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हुए, तो वहीं उन पर आफत आ गई। सेट पर मनु पंजाबी को पैंक्रियाटिक अटैक पड़ा। उन्हें ऐसा दर्द उठा जिसे सहना उनके लिए मुश्किल हो गया। बताया जा रहा है कि मनु के पैरों में चोट लगी थी। काफी दिन से उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। शो में वो कहते दिखे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा है। और दिन कटते ही मनु पंजाबी की ऐसी हालत हो गई कि उन्हें फौरन जयपुर हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। कहा तो जा रहा है कि मनु पंजाबी की तबीयत ठीक होने के बाद दोबारा शो में उनकी वापसी होगी। मनु पंजाबी जयपुर अपने घर लौट चुके हैं और वहीं उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, मनु ने दो हफ्ते में निक्की तंबोली से लेकर एजाज खान तक से बढ़िया रिश्ते बना लिए थे। उनका गेम प्लान भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा था। रविवार के एपिसोड में मनु पंजाबी नजर आए थे। उन्होंने सलमान के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि रुवीना को कैप्टन बनने के लिए लड़ना चाहिए। इसके बाद ही सलमान और मेकर्स ने एलिगोनिक से कैप्टनसी लेकर रुवीना को ये जिम्मेदारी सौंप दी थी। फिलहाल रविवार के एपिसोड में कश्मीरा शाह घर से बेघर हो गई, जबकि विकास गुप्ता की दोबारा एंट्री की बात चल रही है। विकास गुप्ता भी दोबारा एंट्री करेंगे तो फैंस के लिए ये वाकई में बहुत बड़ी खबर होगी। तो मनु पंजाबी को लेकर इस वक्त आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दें, इंडस्ट्री से लगातार ऐसी ही बुरी खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले मशहूर कोरियोग्राफर रेमो की खबर ने भी देश को हिलाकर रख दिया था। रेमो की हालत देखने के बाद उनकी पत्नी को महसूस हुआ कि उनके साथ कौन है और कौन उनसे दूर है। बेशक पत्नी पर तो दुखों के पहाड़ टूटे थे, वो किसी को कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी, लेकिन इस दुख की घड़ी में उनके दोस्तों ने भी हक अदा कर दिया। जी हाँ, रेमो के दोस्तों ने बता दिया कि वो उनके दोस्त कम है और परिवार का हिस्सा ज्यादा है। रेमो की खबर सुनते ही सलमान यूसुफ, धर्मेश, नोरा फतेही जैसे कई स्टार्स अस्पताल दौड़े चले गए। धर्मेश और यूसुफ रेमो की पत्नी लीजल को संभालते भी नजर आए थे। इतना ही नहीं, दोस्तों ने रेमो के लिए पुनीत की शादी तक को छोड़ दिया था और वो पुनीत की शादी में शामिल नहीं हो पाए। इन सब के अलावा आमिर अली हर वक्त रेमो के इर्द गिर्द देखे गए, सुबह शाम वो हॉस्पिटल में देखे गए। जी हाँ, पत्नी के बाद अगर सबसे ज्यादा रेमो की तबीयत से किसी को झटका लगा तो वो आमिर अली थे। आमिर अली ने आज भी अपने दोस्त की खुशी में फोटो शेयर कर खुशी जताई। जैसे ही डॉक्टरों ने आमिर को रेमो की सही होने की खबर दी, वो उनके रूम में पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले रेमो की फोटो फैंस को दिखाई, जिसे देखकर फैंस भी खुश हो गए और एक बार फिर से रेमो को लेकर दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया। एक्टर आमिर अली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कई फोटो शेयर किए हैं। फोटोज को देखकर लग रहा है कि अब रेमो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। हालांकि ये तो फोटो में कोरियोग्राफर की केवल पीठ ही दिख रही है, लेकिन रेमो की रिकवरी को लेकर फैंस काफी खुश हैं। एक्टर आमिर अली ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, मेरा भाई वापस आ गया है। आमिर अली की इस पोस्ट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं। रेमो फिल्म डायरेक्शन के साथ साथ कई बड़ी फिल्मों में कोरियोग्राफी कर चुके हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1995 में की थी। साल 2000 में दिल पे मत ले यार फिल्म से उन्होंने कोरियोग्राफी की थी। आपको बता दें, रेमो ने फ्लाइंग जट, रेस 3, फालतू, एबीसीडी, एबीसीडी 2, स्ट्रीट डांसर जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया था। इनके अलावा वो कई रियलिटी शोज में नजर आ चुके हैं। रेमो आमिर के सबसे करीबी दोस्त माने जाते हैं। आमिर अपनी हर छोटी मोटी पार्टियों में रेमो को जरूर शामिल करते हैं।
दोनों को अक्सर खूब एंजॉय करते देखा जाता है, तो ऐसे दोस्त को लेकर आप भी एक कमेंट जरूर करें। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को 46 की उम्र में हार्ट अटैक पड़ा, ये बात कोई छोटी बात नहीं है। रेमो की खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। उनकी खबर सुनते ही उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार उन्हें फौरन कोकिलाबेन हॉस्पिटल में देखने पहुंचे। पत्नी को भी नहीं समझ आ रहा कि आखिर अचानक सही सलामत रेमो को क्या हो गया था। पत्नी का मानना था कि उन्हें कभी हाई ब्लड प्रेशर तक की कोई दिक्कत नहीं थी। फिर कैसे हो सकता है, हम आपको बताते कि आखिर रेमो को हार्ट अटैक किस वजह से पड़ा, क्या वजह थी जिसने रेमो की ऐसी हालत कर दी। रेमो की हालत देखकर डॉक्टर तक चुप थे। आप भी रेमो की हार्ट अटैक की जानकारी लेकर सतर्क हो जाएं। डॉक्टर खुद रेमो के हार्ट अटैक की खबर सुनते चिंता में आ गए, क्योंकि रियलिटी शो में अक्सर नजर आने वाले रेमो एकदम फिट दिखाई देते हैं। डांस करते वक्त उनका एनर्जी लेवल भी काफी हाई रहता है। ऐसे में इतने फिट इंसान के हार्ट अटैक आने की बात पर यकीन मानना मुश्किल है। डॉक्टर्स कहते हैं कि एक इंसान को कई कारणों से दिल का दौरा पड़ सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करने से लोगों में हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा बढ़ती है। लॉन्ग टर्म स्मोकिंग या फिर सेकेंड हैंड स्मोकिंग दोनों ही इसकी वजह होती है, इसलिए हमें बीड़ी सिगरेट पीने वालों से भी दूर रहना चाहिए। अक्सर लोगों में मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर डायबिटीज के कारण भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में इन छोटी मोटी बीमारियों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी बीमारियां ही जानलेवा बन जाती हैं, जैसे इस वक्त रेमो के साथ हुआ। ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज का मोटापे के साथ सीधा कनेक्शन होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि बॉडी के बढ़ते वजन को कंट्रोल करके इस खतरे से बचा जा सकता है। इनके अलावा जिन लोगों के परिवार में भाई बहन या फिर बुजुर्गों में ऐसी समस्या होती है, उन्हें खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। पुरुषों में 55 और महिलाओं में 65 साल की उम्र में इसका खतरा बढ़ जाता है। इन सब के अलावा हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव है। हर किसी को इन सब चीजों से बचना चाहिए। किसी बात पर ज्यादा सोच विचार करने से या फिर कोई दिल दहला देने वाली बात अगर आपको परेशान कर रही है, तो वो सीधा असर आपके दिमाग पर देती है, जिससे हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। रेमो को ऐसी कौन सी बात लगी जिससे उन्हें हार्ट अटैक पड़ा है, ये तो बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है जरूर कोई बात हुई होगी जो रेमो को परेशान कर रही थी। हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको रोजाना एक्सरसाइज की आदत डाल लेनी चाहिए। अगर आप कभी व्यायाम नहीं करते हैं, तो थोड़ा टाइम योगा और एक्सरसाइज में दें। रेमो की खबर सुनकर गीता और टेरेंस लुइंस ने भी रेमो को लेकर दुख जताया।